नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कृषि एवं आर्थिक संसाधनों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। इस कृषि एवं आर्थिक संसाधन जो वीडियो के अंतर्गत जो नया टॉपिक जोड़ा गया है नए सिलेबस के आधार पर, इसमें हम वीडियो यूनिट के जो वीडियो यूनिट 5 है आपकी, उसके अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको इसमें आपके लिए कराने वाले हैं। MCQ यह है, क्वेश्चन होंगे। मैं आपके लिए पूरा सीरीज इसमें इस टॉपिक से संबंधित, कृषि एवं आर्थिक संसाधन से संबंधित MCQ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं, उन सभी को इसमें वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पूरा बने रहें, इस सेशन को जितना उसके शेयर करें, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये क्वेश्चन जितने भी हैं, जो सभी आगामी जो आने वाली जो सभी परीक्षा हैं उन सभी के लिए, जिसमें इससे संबंधित टॉपिक, कृषि से संबंधित टॉपिक आता है, उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। चाहे किसी प्रकार कोई सा एग्जाम हो जिसमें इससे संबंधित आपसे पूछा जाता है, इसमें मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके लिए सामने आने वाले हैं। आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, यूनिट 5 के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इसमें करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा युग्म असंगत है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए 2700 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन हेतु 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। तीसरा, भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एग एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी। गंगानगर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये चार ऑप्शन आपके, ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इनमें से सही आंसर आपके क्या होगा, ये चारों क्वेश्चन ऑप्शन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। तो द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको भी अपने टेस्ट के रूप में बताना है, लगाना है इनको साथ ही साथ मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी। ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन आपके भादरा, एक ऑप्शन आपसे पूछे हैं, तो इसमें से ऑप्शन आपका सही होगा, आगनवा यानी जोधपुर में स्थित है, वहाँ पर इस कृषि उपज मंडी स्थापित की जानी है ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, गंगा 2 ढक्कन 103 प्रभात अरुण किरण सूर्य किस फसल की किस्म है। ये फसल की किस्में हैं, गंगा 2 ढक्कन 103 प्रभात अरुण किरण सूर्य किस फसल की किस्म है। तो यह एक मक्का फसल की किस्म है, ये नाम आपको याद रखना है, किस फसल की किस्म है, मक्का फसल की, बे ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कौन सा युग्म असंगत है, असंगत से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट नंबर है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, बी है नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से, सी है दूसरा क्रांति उर्वरक उत्पादन से, द है मधु क्रांति झींगा उत्पादन से। तो कौन सा युग्म असंगत है, तो इसमें जो द ऑप्शन है मधु क्रांति झींगा उत्पादन से नहीं है। तो ये मधु क्रांति किससे संबंधित है, ये शहद उत्पादन से संबंधित है। मधु क्रांति आप व्याख्या में देख सकते हैं, मधु क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए गुलाबी क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज और झींगा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति इसका संबंध, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्याज और झींगा से है। तो मधु क्रांति आपका सही आंसर होगा, द ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसका संबंध होगा शहद उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है। राज्य में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया गया है। ये चार ऑप्शन, तो यह कहाँ स्थापित किया गया फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया है, से ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका, किस विश्वविद्यालय द्वारा मासिक पत्रिका राजस्थान खेती प्रताप का प्रकाशन किया जाता है। किस विश्वविद्यालय द्वारा मासिक पत्रिका राजस्थान खेती प्रताप का प्रकाशन किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा इसमें प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां नंबर क्वेश्चन, मसाला व
मसाला व मसाला उत्पादक तथा प्रमुख मंडियों के संबंध में असंगत है। क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से पूछे जाने हैं। तो इसमें असंगत कौन सा होगा? तो इसमें बे ऑप्शन है जो असंगत, मिर्च कपासन, ये एक असंगत है। मिर्च मंडी, यदि मिर्च कपासन ये असंगत, बे ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछे मिर्च मंडी कहाँ पर स्थित है, यदि आपसे पूछ लिया जाए मिर्च मंडी कहाँ पर स्थित है, तो आप देख सकते हैं मिर्च मंडी टोंक के अंदर स्थित है। मिर्च मंडी कहाँ पर स्थित है? टोंक में। और अजवाइन मंडी आपसे पूछे तो अजवाइन मंडी है कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अजवाइन मंडी कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इन सभी को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती में जान तो सशक्त किसान नारा है, खेती में जान तो सशक्त किसान नारा है, ये किससे संबंधित है? तो यह जीरो बजट प्राकृतिक खेती का ये एक नारा है। सही ऑप्शन इसमें सही होगा आपका, सही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौवां प्रश्न आपका, प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में भूमि उपयोग 2019-20 के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में भूमि उपयोग 2019-20 के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वन क्षेत्र, चालू पड़त कृषि क्षेत्र, अकृषि क्षेत्र। तो इसमें द ऑप्शन हो जाएगा अकृषि क्षेत्र। इसमें 10.84% ना होकर इसमें जो एक कृषि क्षेत्र है वह इसमें असंगत होगा, सुमिलित नहीं है। द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। अब बात करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है ऊसर तथा अयोग्य कृषि भूमि 6.52% है, और बंजर भूमि की यदि बात करें हम तो 10.84% के ये बंजर भूमि है आपकी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दसवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किस जिले में उर्बाना टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा, किस जिले में उर्बाना टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह कोटा जिले में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, कोटा जिला इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर प्रश्न, राज्य में स्थापित सूती वस्त्र मिलों के बारे में गलत युग्म आपको छांटना है। इसमें से राज्य में स्थापित सूती वस्त्र मिलों के बारे में गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें द ऑप्शन आपका इसमें गलत युग्म होगा जो 1944 में महाराणा उम्मेद सिंह मिल्स पाली में स्थापित है। तो 1944 में महाराणा उम्मेद सिंह मिल्स पाली में स्थापित नहीं है। द ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, जो महाराणा उम्मेद सिंह मिल्स पाली है यह 1942 में स्थापित होता, महाराणा उम्मेद सिंह मिल्स 1942 में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर ये होगा, द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है खरीफ में मक्का, चावल, ज्वार, उड़द व रबी में गेहूँ व चना किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य उपज है, किस जलवायु प्रदेश की मुख्य उपज है? तो यह आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र की मुख्य उपज है, आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र की है। तो बे ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन कहलाता है, भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? तो एग्रोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या? एग्रोनॉमिक्स आपका सही होगा, बी ऑप्शन, बे ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है कौन सा युग्म असंगत है? तो चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-08 से संबंधित है, ये सही है, अमूल्य नीर योजना 2005-06 से, निर्मल ग्राम योजना ये 2004 में, आइसोपोम योजना 2004-05 में। तो इसमें सही आंसर होगा से निर्मल ग्राम योजना 2004 में ना होकर यह निर्मल ग्राम योजना यह है 2003 में, इसका आएगा 2003, निर्मल ज्ञान योजना 2003 से संबंधित है, ये इसमें सही हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, नवीनतम आर्थिक समीक्षा अनुसार औद्योगिक निर्यात के संबंध में असंगत युग्म छांटना है आपको। तो इसमें ऑप्शन है इंजीनियर वस्तुएं 14.75%, बे ऑप्शन है हस्तशिल्प 11.76%, से ऑप्शन है कपड़ा 10.86%, और द ऑप्शन है रसायन 10.01%। तो इसका सही आंसर होगा द, जो असंगत है जो रसायन है जो 10.1% नहीं है। तो रसायन कितना है? तो 9.51% रसायन है, 9.51%, 10% की जगह होकर 9.51%। तो इस कारण इसका आंसर द आंसर आपका इसमें सही होगा, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें धातु की, यदि अगर हम बात करते हैं धातु की, तो धातु कितना है, धातु की यदि हम देखें तो धातु आपका धातु है जो 10.101% है,
10.01% धातु आपका ये ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हुआ है 10.1% 0. धातु है। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां प्रश्न, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? तो यह पाली जिले से है। सही ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली जिले से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष है। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष कौन सा है? तो इसे राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष 2014 में से शुरू किया गया था, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम को। तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिरेमिक्स मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? सिरेमिक्स मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, बीकानेर। कहाँ पर स्थित है? तो सिरेमिक्स मिट्टी परीक्षण योजना आपसे पूछ प्रयोगशाला आपसे पूछी जाए तो बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन 19वां, राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क आपसे पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान का स्पाइस पार्क आपको ध्यान रखना है, यह रामपुरा भाटियाना जोधपुर में जो पड़ता है वहाँ पर स्थित है, रामपुरा भाटियाना जोधपुर में स्थित है। तो बे ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बे ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, स्पाइस पार्क के बारे में ध्यान रखना है। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है आपका, ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायता हेतु शिल्प बाड़ी योजना कब प्रारंभ हुई थी? ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायता हेतु शिल्पवाड़ी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन आपसे पूछे गए थे 1977-78, 1987-88, 1997-98, 2007-08। तो यह योजना 1987 से 1988 में इसे शुरू किया गया था, तो बे ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बात करते हैं 21वां प्रश्न आपका, राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? तो यह हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? तो यह 9 मार्च 2021 को यह जारी की गई, 9 मार्च 2021 को यह जारी की गई थी आपकी राजस्थान हस्तशिल्प नीति, बे ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां प्रश्न आपका, प्रश्न क्या कह रहा है, लूम डबल बॉक्स जैकार्ड तथा डावी संबद्ध थे। लूम डबल बॉक्स जैकार्ड तथा डावी किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सभी कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार करने से संबंधित हैं, सही ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन, प्रश्न है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य क्या है? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एमएसएमई क्षेत्र को तकनीकी उन्नत सुविधा प्रदान करना, एमएसएमई क्षेत्र को तकनीकी उन्नत सुविधा प्रदान करना, ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 23वें क्वेश्चन का आंसर ए होगा। बात करते हैं 24वें प्रश्न की, 24वें प्रश्न है, राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन की स्थापना की गई थी, राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन की स्थापना की गई थी, तो ये आपसे कब की गई थी? तो इसमें आंसर होगा नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु इसे शुरू किया गया था, उद्यम प्रोत्साहन की स्थापना की गई थी राजस्थान किसके लिए, नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु इसे शुरू किया गया था, द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन, ग्वार गम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई है, ग्वारगम के विकास के लिए एक उच्च श्रेणी के अनुसंधान विकास केंद्र की स्थापना की गई है, तो ऑप्शन इसमें कहां पर स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बोरनाड़ा, जो जोधपुर में पड़ता है, तो बे ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, बे ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, बोरनाड़ा जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है 26वां प्रश्न आपका, प्रश्न क्या है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जिसे सेज जयपुर में ATM जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में ATM का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह ATM का जो कारखाना है यह किसके द्वारा, पर्टो द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है, बे ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, पर्टो द्वारा। अगला क्वेश्चन है 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्या कह रहा है, जयपुर में स्थित आई टी पार्क किस नाम से जाना जाता है?
जो जयपुर में स्थित जो आईटी पार्क है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसमें उसे हम महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जानते हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से उसे जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है? सुमिलित कीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सुमिलित कीजिए यानी कि कृषि विकास कार्यक्रम दे रखे हैं एक पर, और दूसरा उद्देश्य दे रखे हैं कृषि विकास कार्यक्रम के, फिर उद्देश्य दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर पर है कृषि विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तीसरा है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, चौथा है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना, और इसके उद्देश्य दे रखे हैं। तो यदि हम इसकी आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बे ऑप्शन इसमें आपको सही हो जाएगा, बे ऑप्शन इसमें सही होगा। यानी कि यदि हम देखें तो फर्स्ट नंबर में आपका इसमें फर्स्ट नंबर के लिए इसका मिलान करें तो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा बे से, बे ऑप्शन इसका आएगा, फर्स्ट नंबर का आएगा बे। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर ऑप्शन का होगा से, ये से मिलान खाएगा, दूसरा ऑप्शन से। तीसरे नंबर की यदि बात करें तीसरे नंबर का ये दे से, दे ऑप्शन से मिलान करेगा। और बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, जो फोर्थ नंबर पे वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना बचा क्या, ए ऑप्शन, तो ये ए ऑप्शन से संबंधित है। ये इस प्रकार से इसमें बे ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 29वें प्रश्न की, 29वें प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से सही को चुनिए, ये कथन दे रखे हैं, दो कथन हैं, इनमें से सही को चुनना है। कथन फर्स्ट है, क्या कह रहा है? राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। दूसरा कथन है, राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीर तथा अलसी शामिल है। ये कथन दो दे रखे हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है ये आपको छांटना है, सही को चुनना है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन आपके इसमें सही हैं, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका 30वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 30वां प्रश्न है, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूंगफली की किस्म है, निम्नलिखित में से मूंगफली की कौन सी किस्म है ये आपसे पूछा गया है। RS1, RG 141 तथा चंद्रा, ये एक मूंगफली की किस्म है और सभी ये किस्म नहीं है। RS1, RG 141 तथा चंद्रा ये मूंगफली की किस्म है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो वीडियो के से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इनसे संबंधित। तो दोस्तों जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जितना उसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। वीडियो से संबंधित यदि आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इसी प्रकार से चैनल में आपके लिए वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और जितना हो सके सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो के एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का, जो आपके से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।